आप देख रहे हैं प्रोग्राम कंट्री फाइल। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल का जो दौर है वो बहुत तेज़ रफ्तार दौर है और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। यहाँ सोशल मीडिया की तरफ जो नौजवानों का एक बढ़ता हुआ रुझान है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि जहाँ मालूमात के हसूल के लिए बहुत सी मुख्तलिफ किताबों की खोज में लगना पड़ता था, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती थी, फिर जाके कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन अब इतना आसान हो गया है कि सब कुछ एक क्लिक पर आपको मैसर है। लेकिन नाज़रीन, अगर इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो जहां सोशल मीडिया हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी दे रहा है, वहीं पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जो स्पेशली हमारी यूथ है, यूथ बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रही है सोशल मीडिया के इस्तेमाल से और बेजा इस्तेमाल से। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि वजूहात क्या हैं, बच्चे क्यों इतना ज़्यादा फोकस करते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, स्पेशली अपनी पढ़ाई के हवाले से भी उनकी कोशिश यही होती है कि अब तो प्रेजेंटेशन भी इंटरनेट पर बनती हैं और नोट्स भी इंटरनेट पर तैयार होते हैं, लेकिन पहले के ज़माने के बच्चों के बारे में ये भी कहा जाता था कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी। अब उसके सबसे बड़ी रीज़न यही होती थी कि वो लिखते थे, उनका लिखने की तरफ ज़्यादा रुझान होता था, लेकिन अब जबकि मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, तो अब बच्चे यही करते हैं कि वो टाइपिंग उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अब तो कहा यही जाता है कि स्कूल्स में अगर जब टेस्ट लिए जाएँ तो अगर टाइपिंग करवा ली जाए बच्चों से, बजाय इसके कि वो रिटन टेस्ट दें, तो ज़्यादा नंबर से वो पास हो सकते हैं। तो नाज़रीन, देखना ये भी है कि किस तरह से सोशल मीडिया एक नामुनासिब किरदार भी हमारे माशरे में अदा कर रहा है, और इसके फ़रोग के लिए जो ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं वो भी हम ही लोगों की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि ये हम ही लोग हैं जो इसको प्रमोट भी करते हैं, कोई भी चीज़ होती है वो सोशल मीडिया पर फौरन शेयर भी करते हैं, और फिर इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक या फेलियर आप कह लें वो ये है कि इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसे नहीं है जो ये देख सके कि सोशल मीडिया पर जो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। फिर नाज़रीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये है जो प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, वो बुलिंग है। एक बुलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि सोशल मीडिया के जरिए आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी को भी हैरास कर सकते हैं, कुछ भी शेयर करके उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है, और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बहुत सारे फिर सुइसाइड केसेस सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्यात सामने आते हैं। तो नाज़रीन, जहाँ पर सोशल मीडिया एक मुकम्मल आज़ादी का भी नाम है, वहीं पर देखना ये भी है कि एक ना तजर्बेकारी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो भी सोशल मीडिया को उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं जैसे कि लिटरेट लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब नाज़रीन, देखना ये भी है कि जो शख्सी आज़ादी है उसका जो गलत इस्तेमाल है, मेरा बुनियादी तौर पर नुक्ता भी यही होगा, मैं अपने गेस्ट से भी यही पूछूंगी कि आप फ्रीडम को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या फिर फ्रीडम यही है कि आपका जब दिल करे आप सोशल मीडिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें, जब दिल करे आप कुछ भी ऐसा शेयर कर दें जो किसी को हर्ट कर सके और हर्ट इस नौबत पर पहुंचा सके कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फवायद और नुकसान आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करवा दूँ, उज़्मा शकील साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मिसेस फजर राबिया पाशा ने हमें टाइम दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और कुछ ही देर में मुमताज़ गुल साहिबा, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, ज्वाइन करेंगी हमें। अच्छा, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ राबिया पाशा साहिबा, जो शख्सी आज़ादी का मैंने जिक्र किया, फ्रीडम को बेसिकली पहले तो डिफाइन करें कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, सोशल मीडिया कितना यूज़फुल है और कितना आप समझ लें कि वो यूथ को एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखिए, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, और ये आई थिंक ग्लोबली एक बहुत कंफ्यूज्ड टर्म है, क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं और आपको पता है कि पिछले कई सालों में कुरान की बेहरमती, कुरान को जलाने का नाउज़ बेला जो इंसिडेंट्स अभी एक रिसेंटली भी जैसे हुआ, और वो बहुत सारी चीज़ें इंसाइट की जाती हैं, हेट्रेड इंसाइट किया जाता है यूजिंग सोशल मीडिया द मूवमेंट। तो क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दुरुस्त है? नहीं, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे हमें लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि जब हम किसी के मज़हब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो हम किस तरह तनकीद करें, और हम किसी जेंडर पे तनकीद करें, हम ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो अब मैं समझती हूँ जो कौमें हैं जो एक वो फेस से गुजर चुकी हैं, वहाँ पे ये चीज़ें अब डिफ़ाइन हो चुकी हैं बहुत हद तक, कि वो उनको पता है कि और उनकी लॉज में और रेगुलेशन में ये चीज़ें इन प्लेस हैं। हम अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वी आर वेरी बिहाइंड,
क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि एक तो हमारा इशू ये भी है ना कि एक तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ सिविक एजुकेशन इन पाकिस्तान मींस कि हम मिलियंस ऑफ पीपल, और अगर आप पीटीए की रिपोर्ट्स देखें तो आप देखोगे कि इंटरनेट का यूजेज डे बाय डे पाकिस्तान में बढ़ा है क्योंकि स्मार्टफोन्स का यूजेज बढ़ा है. सो एक्सेस इज गेटिंग मच मोर ईजियर फॉर एवरीबडी. आप 5,000 रुपये में आप स्मार्टफोन लेके आप प्योर ऑन इंटरनेट बेसिकली. But that lack of education, or because I work in education, what we see all the time is कि lack of education और फिर जो education provide हो रही है उसमें civic education की जो कमी है उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के पास वो read तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उस information को utilize कैसे करना है या understand करना है कि ये fake है नहीं fake है. और आपको पता है पाकिस्तान के context में especially हमें पता है कि हमारे इंटरनेशनल चैलेंजेस, हमारे ग्लोबल चैलेंजेस, हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस, जब हम इंडिया की बात करते हैं, हम अपने और कंट्रीज़ की बात करते हैं जो पाकिस्तान के फेयरवेल के बारे में नहीं सोचते, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वक्त वी गॉट एक्सेस टू सो मच इन्फॉर्मेशन राइट नाउ ऑन आवर फिंगर टिप्स विच इज़ गुड इन अ वे, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ सिविक एजुकेशन हमारी सोसाइटी बिल्कुल ही मैं समझती हूँ तबाह हो चुकी हुई है और हमें उसको रीबिल्ड करने की जरूरत है. बट जब ये कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है तो फिर चेक एंड बैलेंस कैसे पता चलेगा कि वो फेक है रियल है कैसे. और ये बहुत ज्यादा लैक ऑफ एजुकेशन तो चले एक चीज हो गई, लेकिन कुछ एजुकेटेड लोग भी फेक चीजों पर ज्यादा रिलाई करते हैं बिल्कुल, और वो उसी को सही समझ के आगे भी शेयरिंग कर रहे होते हैं. व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल हमारा कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ग्रुप्स और सिस्टम पॉलिटिकल ग्रुप्स बने हुए हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स बने हुए हैं, और एक चीज वायरल की जाती है और वो ऐसे जाती है विद इन मिनट्स, एवरीबडी हैज दैट यू नो, और किसी को पता नहीं होता ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, वो चाहे गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई वो सेलिब्रिटी हो, हमें वी डोंट नो. और हम अपनी एक्साइटमेंट में, क्योंकि हमें इतना एडवेंचर पसंद है एज अ नेशन, कि हम उसको फटाफट भेज दें कि यार ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो इसने ये कर दिया या ये स्कैंडल निकल आया, और विदाउट चेकिंग. ये एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उज़मा शकील साहिबा एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले वही शेयर ना करे. जब एक बंदा शेयर करेगा आगे जाएगी फिर डेफिनेटली मजीद शेयर होगी, तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है. पहली तो ये बात है कि मैं आपसे पहले छोटी सी ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो मोबाइल है ना, सबसे बड़ी जड़ तो ये है जो इन्होंने बात की है कि 5,000 में मोबाइल जो उनसे है आप परचेस कर लेते हो. घर घर में मोबाइल है, घर घर में सोशल मीडिया है. अगर आपने वहाँ पे कोई न्यूज़ आपने रॉन्ग भी बीच में ऐड कर दी है तो जो देखने वाला है उसके ऊपर वो बहुत अफेक्ट पड़ता है. अभी मैंने व्हाट्सएप में कुछ दिन पहले देखा कि फलां की डेथ हो गई है, तो हम लोगों ने बड़े जी जनाब उसके कमेंट्स दिए, उफ अल्लाह ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, विद द रॉन्ग न्यूज़ सही ऐड की हुई थी. तो ये दरअसल जो हमारी कंपनीज वगैरह हैं जिनके नेट वगैरह चल रहे हैं, जो सोशल मीडियाज वगैरह चला रहे हैं, ये उनका काम है इस चीज़ को कंट्रोल करना. ठीक है, हर और आजकल जो बच्चे आते हैं स्कूलों से आते हैं उनके हाथ में मोबाइल्स होते हैं, जो बच्चा रो रहा होता है उसके हाथ में मोबाइल्स होता है, तो बच्चों के जो है खेलने के कूदने के दिन होते हैं वो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, लिखने की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी है, बच्चों के वो थिंकिंग सिर्फ ये मोबाइल में बंद हो चुकी है. ये रियलिटी है पूरे पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया में यही चीज़ है, लेकिन जो पाकिस्तान के बच्चे हैं ना वो तो सिर्फ मोबाइल पे बिल्कुल हर माँ को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं. तो अब जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हैं और हर एज टीनेजर से लेके यू नो अ टॉडलर एज वेल, तो कितना उनको एक्सेस देना चाहिए, किस एज में देना चाहिए. व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि वी आर अ ग्लोबल कम्युनिटी नाउ राइट एज वेल. व्हाट वी वेयर वी लैकिंग इज़ कि जैसे स्कूल्स में हम लोग वी कॉन्स्टेंटली वी आर कैंपेनिंग फॉर एग्जांपल कि हमने स्कूल्स में बच्चों को हमने आईटी स्किल्स सिखाने, टेक एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चे भी ग्लोबल सिटीजन बने और प्रोडक्टिव सिटीजन बने, जहाँ प्रॉब्लम है कि एक हमारे अपने जो पेरेंट्स हैं जनरली दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू रेज अ चाइल्ड राइट.
पेरेंटिंग इज़ अ मेजर इशू इन पाकिस्तान. अब मैं पाकिस्तान को मैं कभी कंपेयर नहीं करना चाहती दूसरे मुल्कों से, लेकिन आप बहुत सारे मुल्कों में जाके देखेंगे तो पेरेंटिंग की एजुकेशन पेरेंट्स को दी जाती है. और ये मेरे ख्याल से पता नहीं किसी और भी प्रोग्राम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैंने कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम कहते हैं कि हमारा कल्चर ये कहता है कि 20 साल की बच्ची एजुकेशन आप किसी इलिटरेट माँ को दें तो वो यूजफुल होती है उसके लिए. पेरेंटिंग स्किल इज अ स्किल, राइट? सो इट्स देयर इज अ होल करिकुलम बिहाइंड इट. इट्स नथिंग टू डू विद एजुकेशन. नो, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद रीडिंग एंड राइटिंग. पेरेंटिंग इटसेल्फ इज अ स्किल. और होता क्या है कि हम लोग बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये समझते हैं कि आज अगर मैं 20 साल की लड़की हूँ और मैं आज माँ बन गई हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं माँ बन गई हूँ, राइट? अगर आपने फिजिकली इफ यू गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड तो फिर देन यू ऑल्सो नो हाउ टू रेज अ चाइल्ड. नो, यू डोंट नो. और उसमें क्या होता है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, हमारे सोसाइटी में एक इन्फ्लुएंस करने का सिस्टम है, तो आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग एक कल्चर एक मॉडर्न टाइम्स और बहुत सारी चीज़ों में ना हम बहुत कंफ्यूज हो गए. सो आई से कि एज अ पेरेंट यू नीड टू नो हाउ टू पुट योर फुट डाउन वे यू नीड टू पुट योर फुट डाउन बिकॉज हाउ यू रेजिंग योर चिल्ड्रन, हाउ मच एक्सेस बच्चों को समझ आनी चाहिए. बच्चे किड्स शुड बी समझते हैं एक्सेस इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं और से भी तो एक्सेस ले सकते हैं ना. आजकल तो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, फैमिलीज में ये सब कुछ है, तो बगावत में बच्चे उतर आते हैं. नहीं नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट. व्हाई? बिकॉज़ ये देखें कि जब आप एक बच्चा होता है ना, देखिए आप एक कोई भी एक आप चीज उठा लें, आप एक कंपनी उठा लें, एक आप मुल्क उठा लें, आप एक इंडिविजुअल उठा लें, आपकी अप्रोच को एक चीज नहीं होती, राइट? आपकी यू हैव टू आप जहाँ पे आप एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या आप उतना एक्सेस दे रहे हैं जितना बच्चे को देना चाहिए, तो उसके साथ साथ बच्चे को काउंसलर मेंटोर करने की भी जरूरत है, बच्चे को वो प्रोसेस से गुजारने की भी जरूरत है ना, वो एजुकेट भी तो करना है आपने. मदर या फादर, जैसे मैं आई हूँ या फादर उनके बाहर है तो जाहिर है घर में तो मोबाइल देना जरूरी है ना, ठीक है? उसमें फिर नेट वगैरह वाईफाई वगैरह घर में लगे हुए हैं ऑलरेडी, वो तो सोशल में जाते हैं ऑलरेडी, वो हर चीज़ देखते हैं, पिक करते हैं, ठीक है? तो मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा ना ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया को ना कंट्रोल करना. सोशल मीडिया की तरफ जो बढ़ता हुआ रुझान है और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे नाज़रीन. मुमताज़ गुल साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो. मुमताज़ साहिबा, आप बताइए कि सोशल मीडिया को आप कैसे देख रही हैं? पहला क्वेश्चन मैंने जो फजर साहिबा से किया था वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से किया था कि क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि इतनी एक्सेस होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, जब जो दिल करे आप शेयर भी कर सकते हैं, उस पर बात भी कर सकते हैं और बुलिंग भी कर सकते हैं लोगों की. ऑफ कोर्स फ्रीडम तो होनी चाहिए और सोशल मीडिया जो है वो इट्स अनअवॉइडेबल एक फैसिलिटी बन चुकी है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज इंटरेक्टिव एंड इट्स कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी. इट हेल्प्स पीपल टू कनेक्ट टू अदर पीपल. इसे आप नॉलेज लें, कनेक्शन डेवलप करें, अपना इंटरेस्ट अपनी अपना नॉलेज और अपने जो कुछ आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं. लेकिन बात यह है कि हमें वो अवेयरनेस होनी चाहिए. वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है, कैसे सेफ यूज़ करना है. और इसमें जो अभी आपने बात की कहा कि बुलिंग अलाउ है, ये चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं है. बुलिंग हो गई, डिसइंफॉर्मेशन हो गई, रेडिकलाइजेशन हो गई, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर अलाउ नहीं है. तो उसके लिए सोशल मीडिया लिटरेसी एक होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए. गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए. और मैं ये समझती हूँ कि बिकॉज अगर आप देखें दुनिया की आबादी इस वक्त 7.7 बिलियन है, तो उसमें से 3.5 बिलियन पीपल ऑनलाइन थे 2019 में. तो इसका मतलब ये है कि हर 3 में से एक बंदा ऑनलाइन है. तो अगर हम ये अवेयरनेस या ये कैंपेन सोशल मीडिया पर भी चलाएं तो भी ये सक्सेसफुल हो सकती है कि लोगों को अवेयरनेस दें. इसी तरह जो बच्चे हैं या इट्स नॉट जस्ट अबाउट चिल्ड्रन, कोई भी ले मैन है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो बिजनेस मैन है, सबके लिए ज़रूरी है. मे बी ले मैन के लिए उतना ज़रूरी ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और बिजनेस मैन के लिए तो इट्स क्रूशियल.
تو ان کو استعمال کی جو ریسپانسبل یوز کے جو قوانین ہیں وہ سمجھ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے. عظما صاحبہ, یہ بات تو ساری ہوگی, آپ افیکٹس پہ بھی بات کرتے ہیں اس کے, سوشل میڈیا ہو, انٹرنیٹ ہو, موبائل فونز ہو, گیجٹس ہو, مختلف ایپس کا یوز ہو, اس سے جو سب سے زیادہ چیز اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر بہت ریپڈلی چینج ہو رہا ہے, اور جو ہیومن بیہیویئر کے چینجز ہیں وہ بہت زیادہ ڈینجرس بھی اب دیکھنے کو مل رہے ہیں. دیکھیں, لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, لوگ پاگل ہو رہے ہیں, لوگوں کی مینٹالٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, صرف اس لیے کہ انفارمیشن غلط بھی انٹرپریٹ ہو جاتی ہے, اس وجہ سے بھی کہ کچھ لوگ ہراس بھی ہو جاتے ہیں, اور اس وجہ سے بھی کہ کچھ لوگوں کو بلی بھی کیا جاتا ہے. تو کیا ایسے قوانین, جیسے قوانین کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, تو کیا قوانین ایسے بنائیں یا ایج لمٹ لگا دیں اس پہ, یا انفارمیشن کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے بیسیکلی اس کے لیے؟ تو یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. آپ کی تو گورنمنٹ سے بھی وابستگی ہے نا, تو ہاں جی, چیک اینڈ بیلنس قوانین کا تو انہی سے پوچھنا بنتا ہے. سائبر کرائم کا آپ کو پتا ہے نا, وی ہیو اے لا ان پاکستان, لا ہمارے پاس بہت اچھا اور بہت کمپریہنسو. وہیں پر بات آ جاتی ہے نا کہ لیک آف ایجوکیشن, اویئرنیس نہیں ہے, لا کو یوز کرنے کا ہی پتہ نہیں ہے, لا کا ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا, تو لوگ پتہ نہیں ہے. مطلب اگر اف آئی گیٹ ا میسج, پھر دیکھیں سوشل میڈیا میں ہی ہم لوگ اگر یہ چیزیں ڈال دیں لا وغیرہ کا, تو ہو سکتا ہے مے بی کوئی چینج آ جائے, دین ادروائز مجھے تو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے, آپ پیرنٹنگ کی بات کر رہی تھیں کہ بچے کو ایکسیس وہ کہہ رہی تھیں کہ نہیں دینی چاہیے, یا اس پہ چیک اینڈ بیلنس زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بچوں کو ایکسیس دینا یا نہ دینا واقعی میں اب پیرنٹس کے اختیار میں ہے؟ دیکھیں بات سنیں میری, جو آج کل کے جو چائلڈ ہیں نا, لو وہ آپ جتنا بھی کر لیں, یہ میں نہیں, کیونکہ میں نے بہت سارے گھروں میں یہ انالائز کیا ہے خود سے, یہاں تک کہ ایک لیڈیز جون سی ہے وہ مدرسہ جاتی ہے, تجوید پڑھتی ہے, آپ بلیف کریں کہ اس کو بھی یہی رونا ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ انٹرنیٹ اور اس میں اور موبائل ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا, اسی میں گم ہے, بچوں کو نہ کھانے کا پتہ ہے, نہ ہی پینے کا پتہ ہے, نہ باہر جانے کا, اور ماں باپ سختی کر بھی لیتے ہیں ایک ہفتہ, ماں باپ خود یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیسے سختی کریں گے؟ ہاں ماں باپ خود اس میں, آپ بلیو کریں گھر گھر میں, اب آگے لوگ ٹی وی دیکھتے ہوتے تھے, اب بالکل نیٹ دیکھتے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہوتے ہیں, واٹس اپ میں لگے ہوتے ہیں میسیج پہ, ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارے بچے کہاں ہیں, ہم نے ان کو اویئر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسکول میں جاتے ہیں بچے, ٹھیک ہے, ادھر کمپیوٹر پہ 10-15 منٹ ٹائم اسپینڈ کیا, تو پھر آ کے اگر کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر پہ بھی وہ نیٹ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, تو اس لیے فجر صاحبہ, ایجوکیشن سے آپ کی وابستگی بہت زیادہ ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ دیکھیں جب پریزنٹیشنز کا کہا جاتا ہے تو وہ بھی آپ نے انٹرنیٹ سے ہی سارا کام کرنا ہے, اب ہینڈ ریٹن والی چیزیں بہت حد تک کم ہو گئی ہیں پڑھائی میں بھی, تو یہ شاید ایجوکیشن سیکٹر کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں. ایبسولیٹلی دیکھیں, پتہ کیا, بلکہ اصل میں ہمارا جو پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی, ایک تو ٹیک ایجوکیشن ہے وہ, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, وہ تو ہم بچے کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکنالوجی یوز کیسے کرنی ہے, رائٹ, آپ نے سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کرنا ہے, جیسے آپ نے پریزنٹیشن پاور پوائنٹ پہ بنانی ہے, ادروائز وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی, سو دیز سکلز وہی کرتے رہے ہیں, دیز سکلز ار امپورٹنٹ, یو نو دے ہیو بیکم لائف سکلز ناؤ, تو ایک تو وہ چیز ہے. پھر دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ ساری کی ساری ایجوکیشن آپ نے ٹیکنالوجی سے ڈیلیور کرنی ہے, نہیں, بیکاز ایکچولی وٹ ہم, میں پھر وہیں پہ بات کروں گی بیکاز میرا اپنا گلوبل ایکسپیرئنس ہے, رائٹ, تو what has happened in many countries ke they have stepped back from using technology in education, they have gone through that phase, they have learned their lessons and they've moved on from there. Hamara unfortunately issue ye hai kyunki hum wo space se guzre nahi, ab hum us phase se guzre bajaye iske ki learning lessons ka hum kare ki duniya ne kya lessons seekh liye already, let's see ki kahan pe kya hua hai, kahan pe benefit hua hai, kahan pe nuksan hua hai, اور اس چیز کو. اب جیسے ایک میں آپ کو سمپل سی چیز بتاتی ہوں, میمورائزیشن ایک اسکل ہے اسلام میں, ہمارے مذہب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کو آپ نے میمورائز کرنا ہے, حفظ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک مطلب بہت اس پہ اہمیت دی گئی ہے ہمارے مذہب میں, تو یہ ایک جو ہے نا آپ کی میموری, اب جیسے فون ہے آپ کے, بہت ہماری سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ ہمیں سب کے نمبرز یاد ہوتے تھے, اب آپ کو کس کا نمبر یاد ہے,
नहीं है क्योंकि आपने फोन में सेव कर लिया तो डायरी पे लिखा होता था, ये तो होता ही था। तो वो आपका जो है यू डोंट केयर अबाउट रिमेम्बरिंग थिंग्स नाउ, व्हिच मींस के बहुत जल्द आप क्या देखेंगे कि लोगों की मेमोरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, विच अगेन इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये हमारा असल में बात यहाँ पे आ जाती है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने कितना बैलेंस क्रिएट करना है। एक तरफ हमारे स्कूल्स में क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं फॉर एग्जांपल, उसमें कोई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन नहीं है, उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है। जैसे सेफ यूज ऑफ सेफ इंटरनेट इज अ होल कोर्स, राइट, इट्स अ कोर्स नाउ। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं एजुकेट कर रहे उसके बारे में। फिर टेक्नोलॉजी का यूजेज के हम नहीं इनको हम सिखा रहे हैं, और एक तरफ आपके प्राइवेट स्कूल एलीट स्कूल सिस्टम आ रहे हैं क्योंकि वो इतने एलीट हो गए हैं कि वो उनको हर चीज में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, वो सिर्फ फीसों में एलीट नहीं, मतलब वही बात है कि वो बैलेंस नहीं आ क्रिएट कर पा रहे। मुमताज साहब, हां जी प्लीज। I do think in abroad they are using technology, but what they are doing, they are educating their children in a better way. They are giving understanding. They are teaching them how to use social media or other technology in a safe manner. तो ये चीज़ हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे। अब हम देखें कितनी दफ़ा हमारे अगर आप स्कूलों में जाएं या इवन आप हायर एजुकेशन लेवल पे चले जाएं, यहाँ पे कोई इस तरह की अवेयरनेस सेशन नहीं होते। ठीक है, ओके, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मुमताज साहब, आप कंटिन्यू करें। कि जो अवेयरनेस है वो तमाम लेवल्स पे क्रिएट करने की ज़रूरत है, स्पेशली पाकिस्तान में, चाहे वो प्राइमरी लेवल है, चाहे वो सेकेंडरी लेवल है, चाहे हायर एजुकेशन है, कोई भी लेवल है, इवन यहाँ तक कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर करने की जरूरत है कि वो कैसे अपने बच्चों पे चेक रख सकते हैं। पर मेरा फिर बार बार क्वेश्चन यही है ना कि जब बच्चे खुद ही इन्वॉल्व हैं तो वो चेक कैसे रखेंगे। अब तो बहुत सारे घरों में यही हो रहा है ना, पेरेंट्स का खुद फोकस है सोशल मीडिया की तरफ, वो इंटरनेट पे, बच्चों को पता ही नहीं होता वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किस हाल में है। अवेयरनेस है, पेरेंटिंग है। देखिए, बच्चा रेज करना एक इट्स अ मेजर टास्क, रिस्पांसिबिलिटी। हर चीज के दो पहलू हैं। यूज ऑफ सोशल मीडिया कुड बी प्रॉब्लमेटिक एंड कुड बी अ रिस्पांसिबल सेफ यूज, ठीक है ना। दोनों चीजें हैं, तो हमने तो ये सेंस क्रिएट करना है हर जगह कि वो कैसे, हम कहां पे क्रिएट कर रहे हैं वो। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि हो ये रहा है कि सोशल मीडिया एडिक्शन है। सोशल मीडिया एडिक्शन जो है ये एक, इसको अनाउंस कर दिया गया है कि ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जस्ट लाइक अदर डिसऑर्डर्स लाइक वीडियो गेम्स एडिक्शन, इसको पहले अनाउंस किया गया है, इसको भी कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा लॉन्च हो गई है जी। अब जो रिसर्चेस हैं वो इस चीज को प्रूव कर रही हैं कि इंसोमेनिया या एग्जाइटी में, स्ट्रेस में, इन चीज़ों में लिंक, और सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसमें लिंक है। इसी तरह और बहुत से प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ व्यू को देखें तो वो एक रिसर्च में बताया गया कि अगर 10 बच्चियां हैं तो 10 में से 9 बच्चियां अपने सेल्फ व्यू से हैप्पी नहीं है। क्यों? बिकॉज सोशल मीडिया उनको बहुत ही जो सेल्फ व्यू दे रहा है वो वेरी स्लिम एंड ब्यूटीफुल एंड एग्जैक्टली मैं मटेरियलिज्म की तरफ ही बिल्कुल नेक्स्ट में आना चाह रही थी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट, हां, कि मटेरियलिज्म बढ़ रहा है, मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं लोग जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया कहने में ये चाह रही हूँ कि दोनों चीजें हैं, लेकिन सोशल मीडिया का यूज भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखें, अगर एक लेमैन है, अगर वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है और सोशल मीडिया से अगर वो कुछ अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज को दोबारा देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं, या मैं देख सकते हैं, हम कितनी खुशी महसूस करते हैं।
ठीक है ना, इट्स ब्यूटीफुल थिंग. आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप तो खुशी महसूस करें, मैं तो यूथ की बात कर रही हूँ. अच्छा चले, यूथ की बात करते हैं. यूथ को अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर उनको ये यूथ को अगर हम ये सिखाते हैं कि कैसे उन्होंने क्रिटिकली थिंक करना है और कैसे उन्होंने अनबाइज्ड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, तो दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया. इतना ये चीप है, इस पर डिस्कशंस आराम से हो सकती हैं और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द मिल सकती है. और फिर कोई भी इंक्लूडेड यू एंड मी, हम ओपिनियन मेकर बन जाते हैं. हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रही थी. बिल्कुल. अब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा ये है कि बर्दाश्त खत्म हो रही है, ठीक है, इनटॉलरेंस बढ़ रही है ना. जब आप एक चीज़ शेयर करते हैं फिर उस पर मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे होते हैं. एक तो राय का एहतराम ही नहीं रहा कि किसी ने कुछ लिख दिया तो ये उसका ओपिनियन हो सकता है, आप उसका एहतराम कर लें, लेकिन वहाँ पे ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ हो रही होती है. तो क्या ये हम लोग अपने जो मॉरल्स हैं, कदरें हैं, हम उनको भी खो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से? हम लोग तो सब कुछ ही खो चुके हैं. देखिए, सोशल मीडिया ने सिर्फ अपने पास हर इंसान को ये बहुत तंग है सोशल मीडिया से, इज़मा साहिबा. हाँ, अपने पास रख लिया है. अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा यही करती हूँ. नहीं नहीं, रिसेंटली आप बिलीव करें, रिसेंटली हमारी काउंसलर्स आपस में झगड़े हो रहे थे और मैंने उनको कहा खुदा रा हम लोग डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे करो, हम सोशल मीडिया पे क्यों कर रहे हैं. आप ये देखे कि उन्होंने झगड़ा भी करना है ना तो सोशल मीडिया पे करना है. हमारा हमारी सॉरी टू से पीटीआई तो बहुत ज्यादा आगे एक मतलब टेकिंग इट जी, इसमें ये चीज भी आ रही है ना, सॉरी सॉरी, इसमें ये चीज़ भी आ रही है कि लोग सोशल मीडिया की वजह से जो इनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको कंपैरिजन में लेके आते हैं, ठीक है ना. एवरी पर्सन इज शेयरिंग एवरीथिंग, तो उस कंपैरिजन की वजह से वो फिर उनकी अपनी लाइफ वो जैसे वो कह रही हैं वो डिस्टर्ब होती है, उसकी ये वजह है. तो बात वही बात वहीं पर ख़त्म होगी. आप जहाँ भी जाएंगे देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज लॉट्स ऑफ गुड थिंग. तो जो सोशल मीडिया लिटरेसी, इसको तमाम मुसलमानों की ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने हर चीज जोन सी है ना, आप अपने अदारे ही ले लें, कोई चीज भी ले लें, ठीक है, वो सही यूज नहीं उन्होंने करनी. मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने सारी सोशल मीडिया का काट रही हूं. हर चीज की डिस्कशन में समझती हूं एक चीज पे खत्म हो जाती है और वो है वी एज अ सोसाइटी. ठीक है, देखिए दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और आप वो प्रोसेस नहीं रोक सकते. आप सोशल मीडिया, इंटरनेट आप नहीं खत्म कर सकते, वो नहीं कर सकते. लेकिन सॉरी, मैं आप में बात कंप्लीट कर दूं कि हम एज अ सोसाइटी हमारा प्रॉब्लम है इस वक्त. फ्रस्ट्रेशन आप देख लें, लैक ऑफ एजुकेशन आप देख लें, इकोनॉमिक हमारे इकोनॉमी के हालात सब खराब हैं, विच लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, विच लीड्स टू लुकिंग एट पीपल ऑन सोशल मीडिया हु प्रटेंड टू हैव मे बी वेरी गुड लाइफ, पर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है किसी को नहीं पता उनके. Exactly. तो ये सारी चीजें आप ये देखें, ये असल में कुछ एक स्ट्रॉन्ग नेशन जब तक आपने नहीं 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 कुछ एप्स हैं जो आपको बंद कर देने चाहिए, जैसे स्नैपचैट है. फिर वो प्रॉक्सी से खुल जाती हैं, ठीक है, जैसे YouTube कितना अरसा बंद रही थी, वो प्रॉक्सी से चले. YouTube का तो ये है कि हैकर हो गए, जाती हैं मिल जाती हैं वो खोल, मैं खुद खोल लेती थी प्रॉक्सी से. तो एग्जैक्टली यही चीज है ना कि आप किस हद तक आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, एप्स को भी आप बंद कर सकते हैं. अब तो डिफरेंट एप्स भी इस तरह से आ रही है और लोग उसी की तरफ जा रहे हैं जो आप बात कर रही है. वो तो बिल्कुल एक बहुत ही मुश्किल बात है कि आप एप्स को भी बंद कर दें, क्योंकि अगर तो आपने बंद करना है फिर पूरा सोशल मीडिया बंद कर दे तो एक्सेस खत्म हो सकती है एप्स के बंद करने से. वो एप्स बंद करें जिससे आपके जो है ना आपके जो जनरेशन है न्यू, वो अगर आपकी गलत तरफ जा रही है ना तो वो चीज आपको खत्म कर देनी चाहिए. मेरी बात सुने, देखिए रखनी चाहिए जो आपको अवेयरनेस दे, जो आपको आज अगर आप अनपढ़ भी हैं, आज आप अनपढ़ भी हैं, आपको बाहर मुल्क जाने का मौका मिल जाए, राइट, आपको इंग्लैंड का वीजा मिला, आपने फटाफट बैग पैक किया और आप पहुंच गए इंग्लैंड, क्या आप वहां पर ये सारा कुछ करेंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस हैं, अप्लाई होते हैं और लोग एजुकेट होते हैं. जस्ट वी कॉट वो लोग जबरदस्ती फॉलो करवाते हैं. आई वुडंट डेयर. मैं देखें आप गाड़ी चला, आप मैं यही बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हर चीज इस चीज पे आ जाती है कि हम एज ए नेशन क्या बन गए. आप सड़क पे चले जाए, हमारा तो बिहेवियर हर जगह एक ही है. सड़क पे चले जाए, क्या हम रूल फॉलो करते हैं?
रूल्स है ना इन प्लेस, नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते. आपने, हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे कि लोग जाके कमेंट्स करें, क्यों? क्योंकि एज ए नेशन, हमारी नेशन में रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया. चाहे वो पेरेंट्स की बात करें, हम टीचर्स की बात करें, इतनी ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि टीचर्स के ऊपर जो है स्टूडेंट्स तशद्दुद कर रहे हैं. We come from a generation where we were taught ke our teachers are like our parents or our teachers, we give them respect. So, ye cheeze, jo sara kuch hai na, we got to remember ki kya hum unhe apne aap ko puri duniya se alag karke band karke rakh dena hai, taaki jo hamari jo thodi bahut economy hai wo bhi khatam ho jaye, ya humne us economy ko apni badhana hai, behtar banana hai. Aur ye jab hum kehte hai na, jo aapka vision hota hai, जो लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो उनका विजन है, दैट नीड्स टू शोकेस कि कहाँ आपके क्या क्या. जब आप प्लान करते हैं, जब मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती हूँ, मुझे पता है कि क्या 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 चैलेंजेस है, मैंने उसको किस तरह एड्रेस करना है इफ़ आई वॉन्ट माई ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. तो ये सारी चीज़ें, सारी बात उस चीज़ पर आ जाती है. तो सोशल मीडिया इज़ अ टूल, इज़ अ वेरी यूजफुल टूल, वी यूज इट ऑल द टाइम टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन एजुकेशन, ऑन गर्ल्स एजुकेशन, ये सारा कुछ. और हमें बहुत एक्सट्रीमली गुड रिस्पॉन्स मिलता है. मेरा अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, एक्सेट्रा, बट आई यूज इट इन अ पॉजिटिव मैनर. एग्जैक्टली, तो वो क्या आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करेंगे तो रिस्पांस भी पॉजिटिव ही आएगा. एब्सोल्युटली. अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात एक और भी है मुमताज साहिबा, कि हैरेसमेंट के जो इश्यूज हैं, ब्लैकमेलिंग के जो इश्यूज हैं, क्योंकि आप जब अपना पर्सनल डाटा ऐसे शेयर करेंगे तो वो तो किसी के हाथ भी चला जाएगा ना, फिर उसमें हम किसको कसूरवार समझें, खुद को, लोगों को, या ये जो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, वही उन्हीं की गलती है, आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं ना एक चीज. जी, उससे पहले मैं आप पे थोड़ा सा कमेंट कर दूं. मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं ये समझती हूँ कि रिस्पेक्ट है, सब बहुत रिस्पेक्टफुल नेशन है और हम बहुत माशाल्लाह एज अ नेशन बहुत पॉजिटिव है. लेकिन ठीक है, बात जो सोशल मीडिया लिटरेसी, ठीक है, सोशल मीडिया लिटरेसी क्या है, हम सबको वो कॉग्निटिव स्किल्स, वो प्रैक्टिकल स्किल्स और वो इमोशनल स्किल्स दिए जाए, जो हम जब हमारे पास होते हैं, हमें समझ आती है कि जब हम सोशल मीडिया पे हैं हमने क्या कमेंट करना है, और वो स्किल्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने क्या शेयर करना है. कौन देगा हमें, ठीक है, वो स्किल्स, वही कह रही हूँ कि हमारे अवेयरनेस क्रिएट की जाए. कौन करेगा वो ट्रेनिंग? देखिए, एज मैं ये समझती हूँ, बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें मैं समझती हूँ एज अ टीचर. स्कूल्स में देखिए, मैं इंग्लैंड में बहुत लंबा अरसा रही हूँ, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान आई हूँ. वहाँ पे स्कूलों में डेज मनाए जाते हैं, सेशंस होते हैं, पर वीकली छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि आपने जब आप बैठे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कोई ऐसी चीज़ आती है, आपने क्या करना है, और आपने ये बटन दबाना है, ऊपर एक स्क्रीन सी आ जाती है और वो क्लोज हो जाता है, और फौरन वो बच्चा जाके टीचर को बताता है. ठीक है, इसके अलावा डेज में आ जाते हैं, उनको पूरी अवेयरनेस दी जाती है कि कैसे आपने सेफ इंटरनेट का यूज़ करना है. exactly. यहाँ तक सिखाया जाता है, मुझे याद है कि ये भी सिखाया गया वहाँ पे कि एक पिक्चर दिखाएगी कि आप ये पिक्चर शेयर करेंगे, किसने कहा यस, किसने कहा नो, उन्होंने कहा नो, यू कांट यूज दिस पिक्चर, क्योंकि इस पिक्चर के पीछे जो साइन बोर्ड है दैट इज रिवीलिंग योर लोकेशन. तो ये चीज वो स्कूलों, तो ये वो कहाँ से कर रहे हैं, वो ये प्राइमरी स्कूल के बाहर की बातें बता रहे हैं ना, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम कर सकते हैं. देखिए, हमारे टीचर, जस्ट मिनट, वन मिनट, हमारा टीचर कितने बजे स्कूल में आता है, बच्चों से 5-10 मिनट पहले, ठीक है, बच्चों के साथ स्कूल से चला जाता है, बच्चों से लेट आते हैं, ठीक है ना. तो अगर टीचर थोड़ा पहले आए और थोड़ा बाद में जाए तो वो इन पे काम कर सकते हैं. उनको हमारे टीचर्स पे हो रहा है, अब तो सोशल मीडिया की वॉयलेंस टीचर्स के लिए भी है. मेरी जो रिस्पेक्ट फैक्टर आ जाता है ना, वहाँ भी लंदन की बात की है ना, वहाँ जो बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है ना, तो उसको सबसे पहले ये सिखाया जाता है आपने बैठना कैसे है, आपने वॉशरूम कैसे यूज करना है, आपने खाना कैसे खाना है. तो हमारे स्कूलों में तो ये चीजें ही नहीं है, हमारे स्कूलों में तो सिर्फ पीसी है. I'm sorry, but I think madam, I'm sorry. We got ECD in Pakistan, ECD education level, and I have seen its syllabus. It's beautiful, wonderful. And some of the school, even they are government schools, they are doing great. It's not being implemented. It's not everywhere. आपने what you got to understand is the scale of the problem, right? कुछ जगह पे बहुत अच्छा और बहुत अमेजिंग काम हो रहा है, कुछ स्कूल, हर स्कूल एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है.
let me just share the figures again. 22.8 million children in Pakistan on record are out of school right now and yes. on the streets. 22.8 crore bachcha is mulka. Hame Lahore Islamabad Karachi se Lahore Islamabad Karachi mein bhi bahut high number hai out of school children ka. Jab ek to aapka aadhe se zyada aapke jo bachche hain jo under the age of 16 hai wo to schools hi nahi ja rahe, right? Aap unko kahan pe aap educate karenge, right? Pehle to humne apne dekho na, hum basics to apne sort out karne, fir uske baad jo hai aapka jo bachcha school government schools mein ja raha hai. Government schools ka is waqt across Pakistan ki main baat kar rahi hu, environment hi kharab hai meri jaan. Nahi, kuch school bahut achhe class fifth school finish, bahut maine visit ki hai na, class fifth to finish hone se by the time children finish class fifth they still can't read and write. That is the quality of education. I work in education sector, I read these stats, I see it on ground day in day out. It's very frustrating for me because I know as an individual ki jab tak hum apna school system or education system theek nahi karenge, and we understand ki abhi is waqt right now hamare global challenges kya hai, 10 saal baad kya honge aur 20 saal kya baad honge, hum apne bachon ko abhi ready nahi karenge to kab karenge, right? Abhi jo bachcha mera agar 4 saal ka bachcha school mein ja raha hai to wo jab meri bachchi jo hai 25 saal ki hogi to wo kya hogi, wo kis system se nikal ke us age mein pahunchegi, to wo what sort of individual we raising, right? तो जब तक आप अपनी एजुकेशन को नहीं दुरुस्त करेंगे, हमें इंटरनेट का सेफ यूजेज का बच्चों को बताना है, उनको समझाना है, वी नीड टू, और खाली बच्चों को नहीं, हमने अपने बड़ों को भी अभी समझाना है, राइट? हमारे पास तो बहुत ज्यादा चैलेंज है ना. तो व्हाट द प्रॉब्लम इशू इज, के ये नहीं है कि अब समझाने की ज्यादा जरूरत है. ईसीडी का करेक्टर तो बच्चों को अमेजिंग ईसीडी करेक्टर, राइट? बट कैसे समझे, बट उसका जो आपकी डिलीवरी है बहुत कम जगहों पे. ACD तो हमारे तो वेल नोन है ही नहीं अभी पाकिस्तान में, राइट? ठीक है, वेरी स्मॉल, यू नो, इन जहाँ पे आपका ACD की डिलीवरी है, लेकिन ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारी, एक हम वी कैन सिट डाउन एंड टॉक अबाउट. मेरा जाती जो एनालिसिस है ना, कि ये ऐसा, हम लोग कहते हैं ना कि कैंसर, ये ऐसा कैंसर है कि जो हमारी न्यू जनरेशन को तबाह कर रहा है. ठीक है, कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए, तबाह होने दें जनरेशन को. देखिए ना, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे बात कर रहे हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है ना. वी वांट आवर पॉलिटिकल लीडर्स टू कम एंड से कि यस दिस इज द चैलेंज, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट. अच्छा, ठीक है, उसमें सर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात हो रही थी पीटीआई की तरफ से, यही ही मॉनिटर करने के लिए कि क्या इन्फॉर्मेशन सही शेयर, मॉनिटरिंग के लिए कुछ करना चाह रहे थे, वो नहीं हो सका. वो कुछ ऑन ग्राउंड है चीजें जो चल रही है, कुछ करने का इरादा है? नहीं नहीं, उनका इंशाल्लाह ताला इरादा तो बहुत कुछ है, कर रहे हैं वो, आपको पता है, आपको नजर आ रहा है. मुझे तो नजर नहीं आ रहा. नहीं नजर आ रहा, चले फिर हम क्या कह सकते हैं. लेकिन ये है कि पिछले दिन बाकी दोनों गेस्ट से भी अपने पूछ लेती हूँ कि उनको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, सारी नहीं है, अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाती है ऑन अ सीरियस नोट, हमने बहुत लाइटर नोट पे आज बातें की हैं, तो क्या वाकई में चेक एंड बैलेंस होगा, फिर मॉनिटर होगा सब कुछ? देखिए, पॉजिटिविटी कुछ, एआई इज वेरी वेरी यूजफुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग इंटरनेट यूजेज इज एक्सट्रीमली इजी नाउ. अब फॉर एग्जांपल टेररिज्म की अगर जब हम बात करते हैं, जब टेररिज्म का फैशन शुरू हुआ था, इस्लामिक टेररिज्म फॉर एग्जाम्पल जो जिसको नाम दिया गया, तो जब वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस फॉर एग्जाम्पल है, तो इन्होंने पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम्स इन प्लेस कर दिए थे, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में बैठे हुए वो ये देख कैन सी के सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने एक इंटरनेट पे पोस्ट लिख ली है, चाहे वो फेसबुक पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें उन्होंने अल्लाह अकबर लिख दिया है, दे विल पिक इट अप राइट नाउ. सो दीज थिंग्स आर वेरी मच पॉसिबल. मॉनिटरिंग जो आप सिस्टम्स इन प्लेस करना बहुत आसान है, ऑलरेडी ग्लोबल प्रैक्टिस इन प्लेस है, वी जस्ट हैव टू अडेप्ट बेस्ड ऑन वट वी नीड हियर. बट वैसे अब ऐसा हो नहीं ना, कुछ आइडियाज हैक भी हो जाती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी ऐसा हो रहा है, काफी पॉजिटिविटी या चेंज कहेंगे इसको, मुमताज साहिबा? जी, आई एम नॉट वेरी टेक्निकल पर्सन, बट आई डू थिंक के अगर बाकी कंट्रीज़ में इतनी आसानी से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ की जा सकती है, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम. टेक्नोलॉजी का इट्स जस्ट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और हम उसको कंट्रोल कर सकते. और फिर जो दूसरी जो प्रैक्टिकल साइड है, दैट आई नो, बट ये तो आउट ऑफ कंट्रोल टेक्नोलॉजी है. नो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, नहीं अभी तो बना ही नहीं ना कोई ऐसी, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग के लिए कुछ होना चाहिए. बहुत जबरदस्त बना लिया है,
लेकिन हमारा बिल, हमारा लॉ, ये पिछली गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा काम हुआ है. अभी भी इस वक्त इस गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ वेरी गुड. लेकिन अभी आप ये सिर्फ ये देख लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बुली करता है ऑनलाइन, तो मैं अगर उसको कंप्लेन उसी करूं तो कितना आपका स्मूथ प्रोसेस है. वो वही आगे जैसे जुडिशरी का प्रोसेस. एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट. मैं वही आपको बात कर रही हूं कि हर चीज में आप देखो ना, हमारा इस करंटली एज ए नेशन वी हैव अ प्रॉब्लम. देखिए लोग आपके नाम को यूज कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. फेसबुक और ये चीजें हैं, देखो फेसबुक है ना, जैसे फेसबुक पे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, राइट. एक मेरी पिक्चर है खान साहब के साथ, जब खान साहब का एक्सीडेंट हुआ था और वो जब गिर गए थे 2013 में, राइट. उसके बाद एक कदर डिनर की पिक्चर है जिसमें हम तीन खवातीन उनके साथ खाने खत्म हो रहा था. आई वाज वॉकिंग आउट, समबडी टुक अ पिक्चर और वो उसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको बड़ा यूज एंड अब्यूज किया. अब वो क्या होता है, वो जब भी कोई कभी कोई पीएमएलएन का बंदा लगा रहा है, कभी वो मुझे फटाफट नोटिफिकेशन आ जाता है. कोई 1000 से ज्यादा मुझे नोटिफिकेशन इस वक्त कायम है कि यहाँ पे योर पिक्चर, we've just recognized your picture being used here, so you can check. So ye mera matlab hai ki artificial intelligence is there. Ye, these companies are doing it. Twitter is using it, Facebook is using it, LinkedIn is using it. We as a country, our government, we are falling behind. Theek hai, individualism bhi important hai aur as a nation hum kis cheez ko follow kar rahe hain wo bahut important hai. Usma Shakeel sahib aap bahut shukriya, Fajar sahib aapka bhi shukriya, Mumtaz sahib aapka bhi bahut shukriya. Nazreen, koi regulatory authority bane, koi monitoring cell bane, तो चेक एंड बैलेंस होगा कि सोशल मीडिया वाकई में यूजफुल है या नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ फैसला. क्योंकि अल्टीमेटली एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, जो हम कर रहे हैं वही हम लोगों को फेस भी करना होगा. अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़.